हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटली समझेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम है क्या और हमारी डेली लाइफ में हम इसे कैसे और कहां पर यूज करते हैं। बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फ्लूड फ्लो हो रहा हो तो उसकी प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। मैथमेटिकली इसे लिखा जा सकता है पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां पर पी का मतलब है प्रेशर ऑफ द फ्लूड, वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड और एच का मतलब है हाइट ऑफ द फ्लूड, और यहां पर ये जो रो है इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ द फ्लूड। तो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग सिंपली हम समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर फ्लूड की वेलोसिटी ज्यादा है तो वहां पर प्रेशर कम होगा, और अगर कहीं पर फ्लूड की वेलोसिटी कम है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। यहां पर हमने एक पेपर को इस टेबल के एक सिरे पर चिपकाया हुआ है। अभी नॉर्मल कंडीशन में इस पेपर के ऊपर और नीचे एयर का प्रेशर बराबर होगा। अब देखो, मैं एक ब्लोअर की हेल्प से इस पेपर के ऊपर वाले पार्ट से तेज हवा पास करूंगा और आपको ध्यान से देखना है कि क्या होता है। तो यहां पर आपने देखा कि जैसे ही मैं इस पेपर के ऊपर से तेज हवा पास करता हूं तो ये पेपर ऊपर की ओर उठता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो देखो, जैसे ही हम इस पेपर के ऊपर वाले पार्ट से तेज हवा पास करते हैं तो यहां पर एयर की वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, जबकि पेपर के नीचे वाले पार्ट में हवा की वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, इसलिए वहां का प्रेशर ज्यादा होगा। और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से पेपर पर एक नेट फोर्स ऊपर की ओर लगता है, जिसकी वजह से पेपर ऊपर की ओर उठ जाता है। तो इस तरह से हम बर्नौली प्रिंसिपल को इजीली समझ सकते हैं। अब बच्चों, अगर आपको ये प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आंधी या तूफान के टाइम पर कच्चे घरों की छतें या टिनशेड हवा में क्यों उड़ जाते हैं।